मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो। मुख्यमंत्री साहेब, या मतदार संघामध्ये सुभाष नायगावकरांनी पद्धतशीरपणे काम केलेलं आहे, म्हणून त्याची ताकद वाढली। म्हणजे काय तुम्हाला काय म्हणायचं? 1500 कामगारांसमोर जय जयकार केला म्हणजे काय? किती रुपये माहिती आहे? सगळे मानतात सुभाषला। काय बोलता आनंदराव तुम्ही? आमचा पारंपरिक मतदार संघ आहे, सांगा यांना, सांगा काय कोणी जागिरी मिळून दिले का? मतदार क्या सुभाष नागरे को मारोगे तू? विश्राम जी क्या बोल रहा? देखिए सुभाष, मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया हूँ। रशीद भाई, पूरी मुंबई में आग लग जाएगी। मुंबई की फिक्र नहीं है मुझे, साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता, ये तो करना पड़ेगा, चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। विश्राम जी, इसको समझाइए, ये दुबई से आया है, इसको बंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसको समझाइए, आप ही बताइए इसको, बता। तुम्हारे दिमाग पे ताला पड़ा हुआ है क्या? बात तुमको समझ में नहीं आ रही? तुम लोगों को यह बेवकूफी करनी है, करो। तुम लोगों को कुएं में कूदना है, कूदो। मैं इसमें नहीं, मैं इस मामले में नहीं हूं, मैं चलता हूं। मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकता। रशीद भाई, मैं गारंटी देता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूँ। रशीद भाई, आप ठीक बोल रहे थे, मैं तो पागलों जैसी बात कर रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या उसको शाकंठीसा मंजे? हाँ, एक मंत्र है, खजिन्याचा मंत्र। खजिन्याचा है क्या? अपन चोरायचा खजिना। खजिना शोधणं सोपं नाही पोरांनो। Today, there is a bad guy who is going to tell you something very important. The bad guy who wants to tell you what made him a good and amazing personality. Yeah, I'm talking about this bad guy. Please welcome Mr. Nagesh Bhonsle. Nagesh ji, welcome. Thank you so much. Yeah. नागेश जी, पहले ये बताइए कि ये जो जर्नी है आपकी, this is a very quite inspiring journey. You know, you have made your mark successfully without a parental support. आपकी कोई खानदान में कोई पुश्ते नहीं थी जिसमें कि आपको पका पकाया मिल गया. How did it started? I mean, where are you from actually? I am from Nagpur. Nagpur okay. is in Maharashtra. Okay. And it's a इट्स अ बिग टाउन। हमें पहले तो ये राजधानी थी मुंबई की, अभी नहीं रही, महाराष्ट्र की। सो नागपुर वॉज अ प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न एंड आई स्टार्टेड थिएटर देयर। एक्चुअली आई सॉ अ प्ले विच वॉज इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो लैंग्वेज उन्होंने खुद की बनाई थी उस नाटक की। और वो नाटक हमारे यहाँ स्टेट कॉम्पिटिशन होता है जिसमें काफी टैलेंट ऊपर आता है, मराठी स्टेट कॉम्पिटिशन्स। तो स्टेट कॉम्पिटिशन्स में वो मैंने नाटक देखा जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी। उसके बावजूद वो नाटक मुझे बहुत पसंद आया, इट हिट माय माइंड। सो मैंने ये सोचा कि अगर बगैर किसी भाषा के एक आर्ट फॉर्म आपको इतना इम्प्रेस कर सकता है, तो इस आर्ट फॉर्म में जरूर कुछ ना कुछ है। सो दैट इज द टाइम मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम somebody in this art form. So then when you decided this,
you shared to your parent actually ki dad mom ke paas aap gaye honge and then you decided finally ki yes I wanted to make a career in this film industry which is a very complex industry for a newcomer to wo pehla reaction kya tha aapke daddy ka jab aapne ye breaking news di unfortunately I don't have parents oh really sorry to hear that kaise hua kya hua that's another story okay. but I was on my own on those days okay so for me there was no restrictions okay. to choose my career okay so I wanted to become a cricketer but that didn't happen okay so I became an actor okay. and I've decided to become somebody in this art form okay and next year I participated all right in a play right as an actor okay in state competition okay. and that very year I got the best actor award Wow. And then consecutively 3 years I was getting those awards. Wonderful. That's why I said that you're not an award winning celebrity, you are a reward winning celebrity. It will not be wrong to say this. I don't know about it, but that happened. Okay. And I was there in Nagpur and one of the award, mostly that last award, mm-hmm. It held in Mumbai. Okay. Either सेंट जेवियर कॉलेज के पास एक स्टेडियम होता था जिसमें अच्छा। वो सारे अवार्ड सेरेमनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होती थी ओके okay. जिसमें फाइनल में मेरा प्ले था ओके okay. खेड़ खंडोबा करके विच आई गॉट बेस्ट एक्टर ओके एंड दैट अवार्ड वाज गिवन बाय डॉक्टर विजया मेहता विजया मेहता इज अ वेरी रिनाउंड थिएटर पर्सनैलिटी वेरी बिग थिएटर पर्सनैलिटी इन इंडिया ओके शी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ एनसीपीए नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स राइट And I got the award from her and I was overwhelmed and I was like so happy. तो उस दिन क्या किया फिर आपने उस शाम को क्या किया जब आपको अवार्ड मिला तब आपने वो सेलिब्रेशन कैसे किस तरीके से किया थोड़ी सी दारू पी अमूमन जो लोग करते हैं वही मैंने किया कुछ वो तो थोड़ी सी लेकिन एक चौथाई पी बस बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन तो खैर उसके बाद मैंने ये सोचा कि वाई नॉट ओके If I am getting awards, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा अपने पास. Okay. I came to Mumbai. Okay. But नागपुर से जब आप मुंबई आए, ये पावर तो जरूर थी आप में, जज्बा जरूर था कि हाँ मुझे कुछ तो करना ही करना है. तो बॉम्बे आके नागपुर की लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई. कहीं ऐसा डर नहीं लगा कि इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा क्राउड है. नागपुर में तो चलिए ठीक है, एजुकेशनल हब है, बट उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है कंपैरिजन टू मुंबई. तो डर नहीं लगा शुरुआत में जब आप ट्रेन से आप उतरे तो इतनी सारी भीड़ देख के? पता नहीं डर तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा सा आई वॉज अमेज्ड विद द बम्बई देखी हुई थी पहले कई बार मैं छुट्टियों में आया हुआ था बम्बई तो बम्बई नई नहीं थी लेकिन एज एन एक्टर एंड एज एन इंडिविजुअल जब आप किसी शहर में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ों का स्पेकुलेशन होता है थोड़ा सा डर भी होता है थोड़ी सी मतलब आई डोंट नो कुछ ऐसा अजीब सा माइंड होता है कि क्या करूँगा कैसे होगा सो चूंकि मैं मराठी हूँ तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा मराठी सेक्टर ट्राई करते हैं तो हमारे यहाँ एक शिवाजी मंदिर करके दादर में एक बहुत बड़ा थिएटर हुआ करता था आज भी है ओके जहाँ पर सारे मराठी कलाकार परफॉर्म करते हैं बड़े बड़े दिग्गज वहाँ उस शिवाजी मंदिर में ओके और जहाँ भी एक बड़ा थिएटर होता है नाटक का या किसी चीज का उसके इर्द गिर्द एक्टर लोग जमा होते हैं तो शिवाजी मंदिर के पास मराठी एक्टरों का एक जमावड़ा हमेशा रहा करता था मैं भी जाके वहां के वहां पर जाके खड़ा रहने लगा अच्छा और धूप में खड़े रहते थे मतलब यानी मेरा नाम दुकानें होती थी okay. जैसे पान टपरी पे लोग खड़े होते हैं okay. चाय की दुकान मतलब इंतजार के लिए कि मेरा भी टर्न आएगा मुझे भी मौका मिलेगा दिखाने के लिए कुछ तो एक जस्ट आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना शुरू शुरू में कि क्या है करे, कैसे होता है करे, कैसे लोग होते हैं करे, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं करे, तो मैं वहां शिवाजी मंदिर जाके खड़ा रहने लगा और बातचीत करने लगा धीरे धीरे थोड़ी मोटी छोटी मोटी पहचान बनने लगी लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये कहीं अजीब सा दिखने वाला लड़का आया हुआ है उसको एक्टर बनना है तो शुरू शुरू में लोगों ने कुछ अच्छा ट्रीट किया कुछ बुरा ट्रीट किया वो तो हमेशा हर एक के साथ होता ही है तो एक दिन ऐसा हुआ करते करते मंगेश कुलकर्णी करके मेरे मित्र बने थे नए नए और मैं ऐसे ही कुछ गुनगुना रहा था आई एम नॉट अ सिंगर बट मैं ठीक ठाक मतलब सुर के साथ ठीक है right. तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था तो उन्होंने कहा कि यार एक विजय मेहता जो है right. वो एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं इस देश का सबसे बड़ा नाटक था उस समय okay. जिसको लिखा था गिरीश कर्नाड जी ने अच्छा और उसका सेट डिजाइन कर रहे थे एम एस सत्यू ओके और उसको प्रोड्यूस कर रहे थे
NCPA National Center of Performing Arts और जिसको डायरेक्ट करने वाली थी विजय मेहता और जिसका म्यूजिक करने वाले थे भास्कर चंदावरकर जो उस जमाने के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जो एक आर्ट फॉर्म के लोग हैं होते हैं उस तरह के आर्ट फील्ड के उसमें एक बहुत बड़ा नाम था तो उन्होंने कहा कि यार उधर कोरस करने वालों की जरूरत है तो तू मेरे ख्याल से ठीक से गा लेगा मेरे को तो गुनगुनाया था मैंने सुना है तेरे को तो तू जाएगा तो मैं तो वैसे ही खुश हो गया क्योंकि भाई ने मुझे अवार्ड दिया था मैं चला गया वहां पर कोरस करने कोरस में लड़के चाहिए थे तो मैं भी चला गया तो मुझे लगा कि भाई मुझे पहचानेगी उन्होंने मुझे अवार्ड दिया उन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं क्यों तो खैर वो मेरे पहचान दिखाने वहां पे थोड़ा सा क्लेश नहीं हुआ थोड़ा सा दिल में थोड़ा सा लगा नहीं क्लेश नहीं हुआ क्योंकि चूंकि उनकी महती मुझे पता थी अच्छा। वो इतनी बड़ी थिएटर पर्सनालिटी है कि उन्होंने ना भी पहचाना और बस वो मुझे ले लें अपने नाटक में उतना ही मेरे लिए काफी था और बस छोटा मोटा पीछे रह के खड़े रह के कोरस करेंगे क्योंकि अच्छी जगह पे जाना कभी भी अच्छा होता है वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर शुड वर्क विद गुड पीपल राइट एंड दैट वाज अ प्लेटफॉर्म अगर आप वहां चले जाएं तो नथिंग लाइक इट मतलब वहां रहने से ही आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा सो आई वेंट देयर और वो कोरस करने के चक्कर में करते करते भास्कर चंदावर जी को क्या लगा पता नहीं उन्होंने मुझे उस नाटक का सूत्रधार बना दिया और उस नाटक में मैं 22 गाने गाता था छत्तीसगढ़ी स्टाइल के हिंदी नाटक था नाटक का नाम था नागमंडल और वो 91 में आया था उस समय इस देश का सबसे बड़ा प्रोडक्शन था फ्रिट्स बेनेविस्ट और वो सब लाते थे हम लोग NCPA में टाटा थिएटर में रिहर्सल करते थे तो वो मेरी शुरुआत ऐसे लोगों के साथ हुई कि जो देश के सबसे बड़े जानी गिरामी माने हुए लोग हैं तो आई वॉज ब्लेस्ड दैट वॉज अ फॉर्च्यून आई गॉट है ना So it started like this. Great. Wonderful. In fact, inspiring. ये move था आपका कि कोरस से आप निकल के आप आखिरकार मिसाइल जब निकली तो आखिरकार उसने धमाका तो कर ही दिया है. ये बताइए अभी तो एग्जाम्स के चल रहा है महीना चल रहा है एक जमाना होता था कि हम लोग हिंदुस्तान में बोलते थे कि भाई नवरात्रि का जमाना चल रहा है गणपति का जमाना चल रहा है तो अभी तो जमाना एग्जाम्स का चल रहा है आप पढ़ने में कैसे थे थोड़ा सा आज ऑनेस्टली बताइए पहले आप बहुत बुरा मुझे गणित में कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे इतिहास में कोई मुझे पढ़ाई में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन अगर एग्जाम से आते थे तो नर्वसनेस फैक्टर ज्यादा था नहीं मैं इतना जानता था कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा तो मैं उतनी पढ़ाई जरूर कर लेता था जो पास होने के लिए जरूरी होती थी और मैं पास होता रहा और मतलब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की ग्रेजुएशन पूरा किया उसके बाद मुंबई आया तो ये अगर हम जानना चाहेंगे कि जी जो ठीक है आपको आपने जैसे बताया कि आपको अवार्ड मिला नागपुर में वहां पे तो आपको वो एनर्जी या पावर आई तो ये जो पावर और एनर्जी जो है बरकरार जो आज भी है ये बरकरार का एक्स फैक्टर किसे आप देना चाहेंगे मतलब ये जो आपके मन में जो ये ऊर्जा आती रहती है बार बार फायर जो बर्न होता रहता है ये इसका एक्स फैक्टर किसको देना चाहेंगे आप पता नहीं क्या है उस एनर्जी का स्रोत बट इतना जरूर है कि कुछ करने की तमन्ना अभी भी है अच्छा यू नो व्हाट हैपेंस इज कि आप अचीवमेंट्स तो खत्म नहीं होती है और फुलफिलनेस कभी आती नहीं है जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अब मुझे सब कुछ आ गया है शायद वो मेरा अंतिम दिन होगा मेरे काम का तो हुआ ये कि मेरे सीखने की इच्छा मतलब भले ही मैं पढ़ाई में बुरा रहा हूँ लेकिन हर आदमी जो पढ़ाई में बुरा होता है वो किसी न किसी चीज़ में अच्छा हो सकता है हर आदमी में कोई ना कोई टैलेंट होता है कई बार वो छुपा हुआ रहता है कई बार वो सामने आता है जो आपको पता लगता है तो मुझे ये पता लगा कि मैं अभिनय के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाऊंगा जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता रहा कुछ करने के लिए और अक्सर मेरी सीखने की एक प्रवृत्ति है मैं अभी आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं आप जिस एनर्जी से बोल रहे हो और जिस तरह के शब्द यूज कर रहे हो और आप मुझे उकसा रहे हो बोलने के लिए वो भी एक अपने आप में सीखने जैसी बात है No, but this is what happens. Correct. So अगर आपकी प्रवृत्ति सीखने की है तो आपकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी
वेरी नाइस थॉट। आपने बच्चन साहब के साथ काम किया है, अभिषेक जी के साथ भी काम किया है, इतने दिग्गज लोगों के साथ में आपने काम किया है, तो जब बच्चन साहब के साथ आपने स्क्रीन स्पेस शेयर करा, आपने अपना हुनर दिखाया, एक्टिंग दिखाई, बच्चन साहब का क्या कमेंट था जो जिसकी वजह से आप जो है वाकई में उनसे भी कुछ आपको ऊर्जा मिलती है? बच्चन साहब की कोई कमेंट तो मुझे मिली नहीं, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। इतने बड़े एक्टर हैं, देश के आइकन हैं, और उनकी वो जो सहजता है उनके अभिनय की, जो हमेशा मुझे इंस्पायर करती आई है। ऑन सेट्स वो एक बिल्कुल ही सरल और सीधे इंसान हैं, बिल्कुल वक्त पे आते हैं, कोई उनको मतलब इतने बड़े होने के बावजूद भी वो इतने ज़मीन पे हैं। मतलब ये बहुत मुश्किल है, जब आपके पास कुछ अचीवमेंट आती है तो आपका दिमाग ख़राब होना शुरू होता है, जो उनका बिल्कुल नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से इतने सालों से, 40-50 साल से काम कर रहे हैं, सेम जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, उस समय भी जब वो काम करते हैं तो ऐसा वो करते हैं जैसे वो पहली बार कर रहे हो। उनमें वो कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए इस बात का डर आज भी है। तो वो बन चुके वाले लोगों में से नहीं है, वो उनका जो ग्लास है वो हमेशा आधा भरा हुआ रहता है उनको, क्योंकि उसमें कुछ भरना है, वो पूरा भरा नहीं कभी। सो वो उनसे सीखने वाली बात है। अब मेरा काम उनको कैसे लगा, क्या लगा, वो इतने बड़े हैं कि मैंने खुद जाके उनको पूछा नहीं, बट Maybe he must have appreciated. मैंने उनके साथ बड़ा आपको खुशी हुई या एक चैलेंज लगा या नर्वसनेस था थोड़ा सा? चैलेंज की बात नहीं है, चैलेंज उनके सामने मैं क्या चैलेंज लगा, लगने का सवाल नहीं आता। खुशी तो खैर बहुत हुई, बहुत ज्यादा हुई बच्चन साहब के साथ। तो वो भी आपके लिए वो प्राउड, जैसे आपने नागपुर में एक अवार्ड जीता, आपने वहां पे आपने दारू पी, तो आपको लगा नहीं जब जिस दिन आपने बच्चन साहब के साथ में आपने जब काम किया तो आपको लगा नहीं कि ये तो आज तो आपने तो हासिल ही कर लिया जो चीज बहुत से लोग कर नहीं पाते हैं इस जन्म में? कभी कभी वो सपना देखते हैं लेकिन कर नहीं पाते बेचारे, लेकिन आपको लगा नहीं कि आपने वो कर दिखाया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि जिस दिन मैं बच्चन साहब के साथ उस तरह का किरदार करूंगा जो उनके बराबरी का है, उस दिन शायद मुझे ये लगेगा कि अब मैंने कुछ किया है। तो एक छोटा सा किरदार बच्चन साहब के साथ करके पूरी तरह से खुश होने वाली प्रवृत्तियों से मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुश नहीं, मतलब मिल गया तो ये अंत नहीं है, ये इससे कुछ और बड़ा होना चाहिए। बच्चन साहब के लेवल का कुछ सवाल ही, उनके लेवल मैच करना मुश्किल है, लेकिन उस तरह का कुछ किरदार उनके सामने खड़े हो के जब किसी दिन मैं जब कर पाऊंगा, उस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि यस दिस इज द डे ऑफ माय। नागेश जी ये बताइए, लोग नॉर्मली जो हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे डब लैंग्वेज सीखते हैं, मराठी भोजपुरी भी जाते हैं तो डब लैंग्वेज सीखते हैं, क्या मराठी सीखना पड़ता है किसी को? मान लो मराठी नहीं आती है, क्या उसको कभी जगह मिलती है मराठी सिनेमा में काम करने के लिए, या सिर्फ मराठी एक्टर्स जो ऑलरेडी जो जानते हैं मराठी लैंग्वेज उन्हीं को ही जगह मिलती है मराठी सिनेमा में काम करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे हिंदी भाषी एक्टरों ने मराठी फिल्मों में काम किया है। तो वो मराठी सीखना पड़ता है उसके लिए कि वो डब होता है, क्या होता है बेसिकली? देखिए, भाषा अगर आप सीखते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप नहीं सीख पाते तो डब करना जरूरी हो जाता है। तो डब में मतलब क्या, मतलब आवाज जो लैंग्वेज है वो मराठी में बोलेगा एक्टर? मतलब नहीं, डबिंग तो आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, आपकी, क्योंकि आपने जो किरदार किया है वो जिस भाषा में बोल रहा है उस भाषा में आपका किरदार को बोलना होता है। ठीक है, वो हिंदी में बोलूंगा मतलब वो? नहीं, वो आपको देवनागरी में लिख के देते हैं। जैसे मैंने कोई साउथ इंडियन फिल्म की तो मैं देवनागरी में वो भाषा लिख लेता हूँ। अच्छा, मतलब अपनी भाषा में। स्क्रिप्ट में क्या आता है? जैसे स्क्रिप्ट में लिखा है कि मान लीजिए तेलुगु भाषा है और तेलुगु में ये लिखा है कि तेलुगु भाषा में अगर ये है कि कुछ मान लीजिए मराठी की बात कर लीजिए, आपको मराठी भाषा, जैसे मराठी भाषा है कि नमस्कार माझा नाव नागेश भोसले, नमस्कार माझा नाव नागेश भोसले। हाँ, अब ये मैंने मराठी में बोला है। हाँ, अब मेरे को मराठी नहीं आती, अब मैं क्या करूंगा? तो आपको आइदर वो मराठी में बोलना पड़ेगा कोशिश करके। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपकी जगह वो मराठी एक्टर लेना पड़ेगा जो आपकी आवाज से मैच करेगा और डब करेगा आपकी
आपकी लाइंस को। लेकिन मैं जब कैमरे के सामने बोलूंगा, जब एक्टिंग हो रही होगी, तो मैं हिंदी में बोलूंगा अगर मुझे मराठी नहीं। आपको उस तरह से बोलना पड़ेगा। अच्छा, भले ही आप गलत बोले। अच्छा, लेकिन क्योंकि डबिंग में लिप सिंक मैच करनी पड़ती है। ओके, जो आपने बोला है वो मैच होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर आपने कोई एक और अलग शब्द बोला है और आपका डबर ने जो बोला है वो अलग है, तो आपकी लिप सिंक मैच नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा उसके जैसा उस तरह से बोलना पड़ेगा। अच्छा, नमस्कार, मी नागेश भोसले बोलतो है। तो नमस्कार में आप नमस्कार तो बोल ही सकते हैं। मी नागेश भोसले बोलतो है को आपको अगर तकलीफ आई तो आप अगर हिंदी में बोलतो है भी बोल देंगे, लेकिन डायलॉग आपका हिंदी सुनाई देगा। करेक्ट, वो डबर उसको मराठी में बोल देगा। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमें बताया गया स्क्रिप्ट में, तो वो हमें वही लैंग्वेज बोलना पड़ेगा नॉर्मली, और फिर वो डब अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, और दूसरा भी कर सकता है। ओके, तो बट ये जॉब जो है, खासतौर से हिंदी एक्टर्स जो मराठी नहीं जानते हैं, क्या ये डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा टाइम लग सकता है जिसको मराठी नहीं आती है? इट डिपेंड्स ऑन द एक्टर, वो कितने जल्दी ग्रास करता है उस पर है। अगर वो जल्दी ग्रास कर पाता है तो उसके लिए तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है तो देन इट विल टेक टाइम। ओके ओके, ये बताइए कि ये सड़क पार चले गए आप, मतलब अवार्ड तो ले लिया आपने, अवार्ड लेने के बाद जो है आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करी, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार के साथ काम किया, अब आप सड़क पार चले गए। सड़क पार जाने का पहली बात तो मैं जानना चाहूंगा कि ये पैशन था कि मुझे कुछ इंस्पायर करना है अच्छा कुछ काम करके, या क्या मैं समझूं कि ये आपका एक एक, एक हॉबी थी, ये चाहत थी कि हाँ मुझे करना ही करना है, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट था कि पैशन था ये? देखो, सरहद पार फिल्मों में काम करने की इच्छा तो अमूमन सारे एक्टरों को होती है, और चूंकि मैं बहुत सारी फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक रहा है, चाहे वो हिंदी हो या ओवरसीज फिल्में हो, हॉलीवुड फिल्में हो या दुनिया भर की फिल्में हो, मेरा ये हमेशा से स्वभाव रहा है कि मैं जाके अलग अलग फेस्टिवल्स अटेंड करूँ, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। तो मैंने पूरे जीवन इंटरनेशनल फेस्टिवल्स अपनी बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारे अटेंड किए हैं, तो ये चाहत हमेशा से रही कि हॉलीवुड फिल्म में काम कभी मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो यस, चाहता तो बहुत था। okay. और उस कोशिश में एक दो मौके भी आए। right. जैसे एक एड फिल्म मैंने की रिचर्ड गेयर के साथ, वीजा कार्ड की। okay. तो हॉलीवुड यहाँ आया था तो मुझे काम मिल गया वहाँ पे। okay. रिचर्ड गेयर साहब के साथ wow. एक अच्छी खासी एड, जो प्रोमिनेंट रोल था मेरा उनके साथ, तो वो एक एड की। okay. फिर उसके बाद एक दूसरी छोटी एड की जो हॉलीवुड की थी, और ऐसे दो तीन चीजें की। उसके बाद एक सामने से मुझे एक प्रपोजल आया, जो होटल मुंबई, अभी जो मैंने हॉलीवुड फिल्म की है, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उसमें, देव पटेल है, आमी हमर है, एजन एसॉक है। okay. और ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर है, पूरा 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 हॉलीवुड का क्रू है। तो मौका मिल गया। और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हॉलीवुड में इतनी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, क्या जबरदस्त स्क्रिप्ट्स होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर क्या जबरदस्त होते हैं, तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि यार यहीं कहीं डेरा जमा लेते हैं हॉलीवुड में, तो आप ऑलरेडी तो यहाँ पे तो काम मिलना शुरू हो गया है और काम में तो मजा आपको तो आया ही होगा, तो ऐसा नहीं लगा फील कि हॉलीवुड इज 10 टाइम्स बेटर देन बॉलीवुड? इट्स नॉट अबाउट हॉलीवुड इज बेटर और बॉलीवुड इज बेटर। फॉर एन एक्टर, एक एक्टर के लिए वो ईमानदारी से काम करता रहे, ये जरूरी है। Okay. और कल चल के मान लीजिए अगर हॉलीवुड में मुझे और ज़्यादा कुछ काम मिलना शुरू होता है तो मैं बॉलीवुड में काम करना बंद नहीं करूँगा। okay. क्योंकि वो तो वहाँ से तो मैं आया हूँ, जैसे थिएटर से मैं आया हूँ, मैं थिएटर करता रहूँगा। मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, जिसने मुझे सिखाया है, जिसने मुझे बड़ा बनाया है, वो तो मैं भूल नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि हॉलीवुड फिल्में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा फेम और बहुत थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे दे देती है, लेकिन आपकी पहचान तो वही रहती है। मैं इंडियन से अमेरिकन तो बन नहीं पाऊंगा, मेरी स्किन में तो कोई चेंज नहीं होगा। right. मैं जाना जाऊंगा एज एन इंडियन एक्टर ही। right. है ना, अभी देव पटेल साहब भी हैं तो वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए उनको इंडियन का काम मिलता है। right. It doesn't become an American. Very true. So, ये तो सच्चाई आपके साथ जिंदगी भर बनी हुई रहेगी। wow. हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप वहाँ सक्सेसफुल हो गए तो वहाँ भी काम करेंगे। इरफान खान साहब बहुत काम करते हैं हॉलीवुड wow. में, लेकिन वो हिंदी फिल्में छोड़ते नहीं है। Very true. क्योंकि वो उनका ओरिजिन है। But we are really proud about you, क्योंकि एक महाराष्ट्र का लड़का, एक महाराष्ट्र का मुंडा, उसने वहां पे धमाका करा ही करा अपने जीवन में, अपने छोटे से कस्बे में भी अवार्ड ले लिया, फिर उसके बाद बॉम्बे में भी धमाका करा, और फिर अब हॉलीवुड में।
अच्छा नागेश जी, बोला ये जाता है आज के दिन में डिबेट छिड़ी हुई है हमारी बॉलीवुड में, 8 सिनेमा जो है करोगे तो यार उसमें तो पैसा कम ही आएगा, एक्टर का भी जो है उसकी जो लाइफ होती है कम हो जाती है 8 सिनेमा में, और जाहिर सी बात है कि भाई 8 सिनेमा का उतनी क्राउड पुलिंग नहीं है जितना कि कमर्शियल हार्ड कोर कमर्शियल सिनेमा होती है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपके कुछ और थॉट्स हैं इसके? ये बात तो बिल्कुल सही है कि 8 सिनेमा अपने आप में अलग चीज़ है और कमर्शियल सिनेमा अपने आप में अलग चीज़ है. कमर्शियल सिनेमा इज सॉन्ग एंड डांस एंड जैसे बॉलीवुड का एक सेट पैटर्न है उसी तरह की फिल्में बनती हैं. बट फॉरेन एक्टर मुझे ये लगता है कि उसके लिए 8 सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा कुछ नहीं होता. एन एक्टर शुड परफॉर्म एट इट्स बेस्ट वेदर इट इज कमर्शियल और नॉन कमर्शियल. 8 सिनेमा आपको पैसे देता है नहीं देता है और उससे फेम बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से आपका जॉब सेटिस्फैक्शन आप कहाँ पाते हैं और कितना पाते हैं वो बहुत ज़रूरी है. इवन इफ यू आर डूइंग अ कमर्शियल सिनेमा आपको अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ता है. बहुत सारे 8 सिनेमा में काम करने वाले एक्टर्स हैं जो कमर्शियल सिनेमा में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. बहुत बड़ा उदाहरण नसीर भाई हैं, ओमजी हैं, जो 8 सिनेमा से आए हैं लेकिन कमर्शियल सिनेमा में उतना ही पावरफुल उनका परफॉर्मेंस होता है. तो फॉर एन एक्टर देर इज नो कैटेगरी कॉल्ड 8 सिनेमा एंड कमर्शियल सिनेमा. हाँ, अगर एक एक्टर को मेरे को बहुत ज्यादा फेम चाहिए यार, मेरे को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ये डिसाइड करके कोई बंदा आता है तो वो शायद ये करेगा कि नहीं मुझे तो कमर्शियल सिनेमा में ही काम करना है. लेकिन अगर कोई बंदा ये सोच के आता है कि नहीं मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छा एक्टर करके जानना है, हमारे यहाँ अच्छा एक्टर और बुरा एक्टर नहीं है कोई. हमारे यहाँ सक्सेसफुल एक्टर है और नॉन सक्सेसफुल एक्टर है. अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, फिर भले आप अच्छे एक्टर हों या ना हो. वेरी ट्रू. तो उस ट्रेंड में मुझे जाना नहीं, मैं अच्छा एक्टर हूं या नहीं हूं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूं भले ही वो नॉन कमर्शियल हो या कमर्शियल हो. सो डू द बेस्ट टू गेट द बेस्ट. एब्सोल्युटली राइट. दोस्तों, व्हाई डोंट वी हैव वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, व्हाई डोंट वी सी हिज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंस राइट नाउ. नागेश जी, ये बताइए कि फ्री टाइम मिलता है कभी आपको? मिलता है बिल्कुल. क्या करना पसंद करते हैं? क्रिकेट देखते हैं क्या? मतलब आजकल क्रिकेट, मैं हूँ क्रिकेटर तो मुझे क्रिकेट तो लाजमी है, मुझे पसंद ही होगा. वैसे फ्री टाइम में क्या बहुत ज्यादा शौक है आपको? मतलब आप पागल होते हैं कि भाई फ्री टाइम मिले तो ये करेंगे अपन लोग? यार फिल्में देखता हूँ यार, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है. हिंदी या मराठी? हिंदी, मराठी हो, हिंदी हो, हॉलीवुड हो, किसी भी तरह की अच्छी फिल्म जाके देखना एक वो हाई की तरह है. अच्छा नाटक जाके देखना, इट्स गिव्स मी हाई. क्योंकि क्या है कि आप उसी प्रोसेस में हो. एक अच्छी किताब पढ़ना, लोगों ने बोला यार ये किताब बहुत अच्छी है पढ़ लो, वो किताब पढ़ते वक्त जो आप महसूस करते हो, अच्छा काम देखते हो, परफॉर्मेंस लोगों की देख देख के आपको समझ में आता है कि आप में कौन सी चीज़ की खामी है कौन सी चीज़ नहीं है. तो एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा आपका फ्री टाइम बहुत अच्छा जाता है और आप वही चीज़ कर रहे होते हो जो आपको पसंद है. आप इमोशनल हैं जब मान लीजिए कोई ऐसा हार्ट टचिंग ड्रामा हुआ या कोई ऐसी फिल्म हुई जो रुला दिया क्लाइमेक्स सीन पे, रोते हैं आप? बिल्कुल रोता हूँ. मुझे तो मैं दिल खुश होता है, बहुत खुश होता है, रोंगटे भी खड़े होते हैं मेरे फिल्म देखते देखते. मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मेरे आँख में पानी भी आता है. मतलब मैं आम आदमी हूँ यार, वो सारी चीजें मुझ में है जो आम आदमी में होती है. आई एम नो एक्स्ट्रा. मेरे में कोई, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बिल्कुल नहीं हूँ. चलते चलते मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आजकल यूथ जो है बहुत पेनिट्रेट कर रहा है, ज़्यादा नंबर्स में आ रहा है और वो एक मिशन के साथ आता है कि भाई वो भी एक दिन आपकी तरह विकिपीडिया पे दिखे, उसको भी एक फेमस पॉपुलैरिटी मिले, उसको भी सिर्फ एक नाम टाइप करने से, गूगल नाम टाइप करने से उसकी भी प्रसिद्धि बढ़े. तो आपके हिसाब से वो मंत्र या वो मैजिक मंत्र कह लीजिए, चूंकि क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं और आपने सरहद पार भी पूरा चख लिया, आपने वो वहाँ का खाना भी चख के आ गए आप, तो अब ये डिजर्व हॉट सीट आप डिजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया विदाउट एनी सपोर्ट. तो ये मैजिक मंत्र आप क्या देना चाहेंगे एक गुरु होने के नाते? पता नहीं मैजिक मंत्र है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी, सारी विरोधाभास और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी, ओके,
और अच्छा करने की तमन्ना, ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं और आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो कोई ना कोई मकाम आपको मिलता जरूर है। तो ऐसा सोच के कि अब तो मैं करके ही दिखाऊंगा, अब तो मैंने करना ही है, तो मुझे पता नहीं इससे होता है या नहीं होता है, या आप कुछ बहुत एम्बिशन लेके आते हो और फिर आपका कुछ हो नहीं पाता। कुछ नहीं, मैंने जैसे कहा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, एम्बिशन के साथ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और अच्छा करने की तमन्ना होनी चाहिए और अच्छे इंसान भी बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको बहका देती हैं, तो उनसे दूर रहें और अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा सोचें, भला करें लोगों का, तो ये आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है। तो मेरे ख्याल से कोई मंत्र कुछ नहीं है, सरल चीजें अगर आप करते रहे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा। ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस। दोस्तों, मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जो नागपुर से निकला, भीड़ में से निकला, कोई बेचारे के पास सपोर्ट नहीं था, कोई उसका सहारा बनने वाला कोई नहीं था, कोई उसको खाना पका पकाया देने वाला नहीं था। बॉम्बे आया, कोरस में शामिल हो गया, वहाँ से वो फिर निकला एक मिसाइल की तरह, तो सरहद पार गया तो उसको अपने वतन की खुशबू और मिट्टी फिर याद आई। फिर आया, फिर आने के बाद दिग्गजों के साथ काम किया और आज शायद ये गलत होगा जो विकिपीडिया में इनके शुरुआत में लिखा है कि ही इज़ एन अवार्ड विनिंग सेलिब्रिटी। आई बिलीव ही इज नॉट एन अवार्ड बट अ रिवॉर्ड विनिंग ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, ऑफ कोर्स ही इज अ बैड गाय फॉर द फिल्म्स, बट ही इज द बेस्ट गाय फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच नागेश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी बातें करी और खास तौर से जो आपने लास्ट लाइन करी वो मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा कि अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, या कोई भी इंडस्ट्री हो, लेकिन अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।